नमस्कार आयुर्वेद प्रेमियों, आज हम तीसरा पंचकर्म है बस्ती, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आज के आधुनिक तकनीकी युग में आयुर्वेद एवं योग का प्रसार प्राचीन भारतीय पद्धतियां होने के साथ साथ पूरे विश्व भर में भी हो रहा है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग पूरी दुनिया में केमिकल युक्त औषधियों के सेवन से न केवल दुखी है अपितु उनके जो विविध साइड इफेक्ट्स है उनसे भी परेशान है। हम अधिकतर घातक बीमारियों के प्रकोप से आयुर्वेद के पंचकर्म चिकित्सा द्वारा बच सकते हैं एवं जो व्याधियां आपको अभी उपस्थित है उनका भी निराकरण इनके द्वारा कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन के साथ दीर्घायु होना तथा जीर्ण रोगों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में दो प्रकार की प्रमुख चिकित्साएं होती है, एक तो शोधन चिकित्सा जिसे पंचकर्म चिकित्सा कहा जाता है और दूसरी शमन चिकित्सा। इनमें विशेषतः औषधियां मुख के द्वारा देके व्याधियों का शमन या व्याधियां निश्चित ही दूर की जा सकती है। चलिए जाते हैं बस्ती चिकित्सा की ओर। तो बस्ती चिकित्सा जो है वह पंचकर्म के बिल्कुल एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है जिसे संपूर्ण चिकित्सा या आयुर्वेद की आधी चिकित्सा कहा जाता है। बस्ती कर्म में औषधि विशेषतः गुदा मार्ग से दी जाती है। जैसे हमने देखा आयुर्वेद में वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, नस्य, ये पांच कर्म चरकाचार्य जी द्वारा बताए हैं और वाग्भटाचार्य और सुश्रुताचार्य वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण, इन पांच विधियों को उसमें समाविष्ट करते हैं। देखिए वात दोष का स्थान पक्वाशय होने की वजह से यानी रेक्टम विथ लार्ज इंटेस्टाइन बस्ती चिकित्सा जो है वो गुदा मार्ग से की जाती है। इसका उद्देश्य केवल आपका बाउल मूवमेंट ठीक करना या पेट साफ करना नहीं होता। इसमें विशेषतः बस्ती चिकित्सा करने से पूर्व दो पूर्व कर्म किए जाते हैं, विशेषतः स्नेहन एवं स्वेदन। स्नेहन में आपको औषधि तेल या प्लेन सीसेम ऑयल या तिल का तेल जो है वो गुनगुना करके विशिष्ट पद्धति से लोअर एब्डोमेन, थाइस, देन लोअर बैक और पीछे के अपने जंघा प्रदेश में उनको मालिश की जाती है। देखिए बस्ती विधि में गुदा मार्ग से औषध प्रविष्ट किया जाता है तो इसका एक ही रीजन है कि वात दोष प्रधान दोष है शरीर में, वात पित्त कफ में, और वात दोष को अगर आप नियंत्रित कर ले तो संपूर्ण शरीर को आप नियंत्रित कर सकते हैं और व्याधियां रोकथाम उसकी कर सकते हैं या जो व्याधियां हो चुकी है उन पे भी विजय आप प्राप्त कर सकते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में विशेषता लिटाकर यह जो बस्ती चिकित्सा है वो की जाती है और इसमें विशेषतः ये विशिष्ट पोजीशन इसलिए है कि एनल कैनाल से होते हुए रेक्टम और रेक्टम से होके फिर डिसेंडिंग कोलोन तक ये औषधियां बहुत आसानी से पहुंच सकती है। तो आयुर्वेद एक संपूर्ण शास्त्रीय चिकित्सा पद्धति है। ये सभी बातें चरक संहिता एवं अन्य आयुर्वेद के ग्रंथों में विस्तार से बताई है। देखिए हमारी ये वीडियो बनाने का प्रयोजन केवल लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से रूबरू कराना और उसकी जानकारी देना है। इसको देख के आप घर में स्वयं से इसका प्रयोग बिल्कुल न करें, आयुर्वेद चिकित्सक के देखरेख में ही केवल इसका आप प्रयोग करें। सबसे पहले पूर्व कर्म में यानी बस्ती एक्चुअल मेडिकेटेड एनिमा देने से पहले व्यक्ति के कमर, जांघ तथा पेट पर इन स्थानों से हल्के हाथ से तेल की मालिश की जाती है, इसको कहते हैं स्नेहन। और स्नेहन के बाद जो कर्म आता है वह है स्वेदन। स्वेदन वह प्रक्रिया है
जिससे स्वेद अर्थात पसीना पैदा होता है। ये जो बाष्प स्वेदन यानी हर्बल स्टीम दे जाती है वो स्टीम बॉक्स में भी दी जा सकती है संपूर्ण शरीर को, या बस्ती चिकित्सा में केवल लोअर एब्डोमेन यानी कमर एवं पेट का हिस्सा और जांघों को आगे और पीछे से केवल स्वेदन दे तो भी चल सकता है और बस्ती के लिए यही पर्याप्त है। कई कई स्थानों पे अगर व्याधि प्रबल है तो व्यक्ति को संपूर्ण शरीर में भी स्टीम और स्नेहन स्वेदन यानी ऑयली और स्टीम दी जा सकती है। देखिए ये जो वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्तमोक्षण है, इसमें से बस्ती चिकित्सा जो है वो गुदा मार्ग से विशिष्टतः औषधि दी जाती है, यह हमने देखा है। लेकिन मूत्र मार्ग या योनि मार्ग इससे भी औषधि दी जा सकती है, आगे हम इसको देखने वाले हैं। अभी आपके सामने जो चित्र है वह मेडिकेटेड स्टीम लोअर बैक को व्यक्ति को देने का, ये आपके सामने भागीरथी आयुर्वेद पंचकर्म क्लिनिक का चित्र है। देखते हैं किन रोगों में ये उपयुक्त सिद्ध हुई है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या आप जिसे वात की बीमारी भी कह सकते हैं, जोड़ों के विविध रोग जो है, वीर्य की कमी, वीर्य का दूषित होना, इनफर्टिलिटी यानी गर्भाशय से संबंधित, और पुरुष में विशेषतः स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस यानी शुक्राणु की निर्मिति न होना, ऐसे व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि कौन इस बस्ती चिकित्सा को न कराए या कौन सी स्थिति में न कराए। देखिए भोजन किए बिना अनुवासन बस्ती यानी जो स्नेह बस्ती होती है, ऑयल एनिमा जिसे कहते हैं, वो भोजन के बिना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आस्थापन बस्ती यानी जो जिसमें प्रधान घटक द्रव्य काढ़ा या डिकॉक्शन रहता है, वह केवल और केवल खाली पेट करना चाहिए, भोजन के बाद तुरंत नहीं करना चाहिए। इसके सिवा अत्यधिक दुबला एवं पतला व्यक्ति, कमजोर लोग ये बस्ती ना ले। बस्ती एक शक्तिशाली ऐसी आरोग्य के लिए बहुत ही उपयुक्त आरोग्य प्रक्रिया है। इसको आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा भी कहा है। विशेषतः बस्ती से पार्किंसंस जैसी बीमारियां भी नियंत्रित की जा सकती है, और मलाशय के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक डोपामाइन को पहुंचाने से हम जो है ये पार्किंसंस के जो ट्रेमर्स आते हैं उसको कम कर सकते हैं या उस पे नियंत्रण पा सकते हैं। अब ये जो बस्ती के विभिन्न प्रकार है उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। सबसे पहले तो बस्ती का प्रथम जो प्रकार आता है उसे कहते हैं अनुवासन बस्ती, या उसे स्नेह बस्ती भी कहा जाता है। अनुवासन बस्ती जो है विशेषतः सिरिंज जो विशिष्ट पद्धति की होती है उसके द्वारा दी जाती है, और स्नेह यानी औषध द्रव्य जो है वो कम मात्रा में होता है, लगभग 100 से लेके 200 ml मैक्सिमम। इसमें आप औषधि द्रव्य जो है यानी औषध सिद्ध तेल या औषध सिद्ध घी इसमें होता है। अनुवासन बस्ती में विशेषतः अन्य कुछ औषधियों से सिद्ध भी तेल या घी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें पाटला, अग्निमंथ, बिल्व या जिसे दशमूल भी कहा जाता है, इनका प्रयोग आप कर सकते हो। रोगी के शरीर में औषध रखने की क्रिया, औषध वहां पे वसती यानी बसता है, रहता है, रखा जाता है, इसलिए इसको बस्ती कहते हैं। औषधियों से बने तेल घी, इनका प्रयोग विशेषतः पैरालिसिस, विशेषतः मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, इन व्याधियों में किया जाता है। कमर दर्द में भी बहुत अच्छा उपयोग अनुवासन बस्ती का होता है। अनुवासन बस्ती के बाद दूसरा प्रकार आता है जिसे कहते हैं निरूह बस्ती, या उसको काढ़े की बस्ती या स्थापन बस्ती भी कहा जाता है। यह विशेषतः निरूह बस्ती जो है वह पक्वाशय मलाशय में अधिक देर तक रुक नहीं पाती, क्योंकि उसका प्रमाण जो होता है वो ज्यादा होता है, 400 से 600 ml तक भी इसका प्रमाण हो सकता है। कुछ ही मिनट में यह बस्ती जो है निरूह बस्ती बाहर निकल जाती है, और व्यक्ति की प्रकृति और रोग के अनुसार औषधि द्रव्यों का चयन करके उसका काढ़ा बनाया जाता है,
उसमें स्नेह द्रव्य यानी तेल या घी, लवण, सैंधव लवण, दूध, ज्येष्ठमध, देन साइप्रस रोटंडस, मुस्ता, अन्य भी औषधि द्रव्य इसमें मिलाए जा सकते हैं। औषधि काढ़े के सिवा इसमें गोमूत्र या अन्य भी द्रव्य हो सकते हैं। अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन पद्धति है, जिसमें विशेषतः जो है वो बस्ती दिया जाता था। अभी भी प्लास्टिक बैग जो है अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करके इससे बस्ती, निरोह बस्ती जो है दी जाती है। और ये जो द्रव्य है ये काढ़ा एवं अन्य द्रव्यों का मिश्रण है, और आगे ये नोजल जो है वो एनल रीजन में इंसर्ट किया जाता है। तो ये निरोह बस्ती जो है वो देने की पद्धति है। बहुत सारे आयुर्वेद पंचकर्म क्लिनिक में निरोह बस्ती या आस्थापन बस्ती, जिसे डिकॉक्शन एनिमा भी कहते हैं, वो एनिमा पॉट से भी आज दिया जाता है, और उसका भी प्रयोग बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है। विशेषतः इन बस्तियों का जो प्रयोग है वह निरोह बस्ती हो या अनुवासन बस्ती हो, वह आयुर्वेद चिकित्सक जो है अपने अनुभव के आधार पे और शास्त्रों में जो वर्णन किया है उसके द्वारा विविध पद्धति से औषधों का चयन करके उसकी संख्या भी भिन्न भिन्न हो सकती है। इसके लिए आपको एडमिट होने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा महत्वपूर्ण बस्ती का प्रकार आता है, वह है उत्तर बस्ती, या इसको पुरुषों में मूत्र मार्ग से और स्त्रियों में योनि मार्ग और आवश्यकता अनुसार मूत्र मार्ग में भी दी जाती है। विशेषतः उत्तर बस्ती जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध है इनफर्टिलिटी की चिकित्सा में, यानी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो, फाइब्रॉइड हो या किसी अन्य कारणों की वजह से अगर संतति उत्पत्ति, स्त्री बीज निर्मिति ठीक से नहीं हो रही है तो ऐसे स्थिति में उत्तर बस्ती का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही पथरी, अन्य विविध मूत्र विकार, बस्ती शूल या डायबिटीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये चिकित्सा जो है, सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स जो है बहुत ही अच्छे प्रकार से स्वच्छ, स्टराइल, ये सब प्रिकॉशन लेके ही उसको की जाती है। आप सामने चित्र देख रहे हैं वह है मूत्र मार्ग के द्वारा बस्ती का प्रयोग किया जा रहा है, इसको भी उत्तर बस्ती कहते हैं। बस्ती कर्म जो है वो शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाता है, इसके फायदे हम संक्षिप्त में देखेंगे। विशेषतः जिसके जहां कहीं भी आपको अगर वेदना है तो शूलम नास्ति विना वाता, यानी वात दोष के बढ़ने से ही आपको शरीर में वेदना होती है, उस स्थिति में आपने बस्ती का अवश्य अनुभव लेना चाहिए। यौन शक्ति या शारीरिक दुर्बलता में भी बस्ती जो है विविध औषधि या बृहन बस्ती देके उसको शरीर का पोषण किया जा सकता है, और स्थूल शरीर वाले जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों में मोटापा कम करने के लिए भी बस्ती का, जिसे वैतरण बस्ती कहते हैं या कर्षण या लेखनीय बस्ती कहते हैं, उसका बहुत अच्छा प्रयोग सिद्ध हुआ है। संपूर्ण आरोग्यता प्राप्ति के लिए भी आप बस्ती कर सकते हो, यानी आपको कोई व्याधि नहीं है फिर भी आप बस्ती का अवश्य प्रयोग कर सकते हो। इससे शरीर का संवर्धन, आयु की वृद्धि होती है, शरीर का तेज बढ़ता है, आपकी जो भी प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार वातज, पित्तज, अन्य सभी विकारों में इसका लाभ जो है वो सिद्ध हुआ है। तो आइए मित्रों, यहाँ पे हम आज बस्ती की जानकारी समाप्त करते हैं। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, भागीरथी आयुर्वेद पंचकर्म क्लिनिक, यह पर्वती हिल यानी पर्वती टेकड़ी जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे बसा हुआ है। उसके बिल्कुल बेस में हमारा सेंटर है, और न केवल भारत के अपितु देश विदेशों से भी नागरिक आके यहाँ पे इस चिकित्सा पद्धति का लाभ उठाते हैं। तो आपके सेवा में प्रस्तुत है भागीरथी आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सालय। धन्यवाद।